हुजूर का विसाल हुआ ना, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्रें अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्हों के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, तो कहने लगे नीचे उतरना, मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे, नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हज़रत अलीगुल मुर्तज़ा ने जल्दी से पकड़ा और पकड़ के फरमाया दादा हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो, अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा, मैं कहूँगा कि भाई ठीक हो गया बच्चे को ले जाओ जरा इसे पीछे करो जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे और हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमत और शान को समझते थे, उन्होंने कहा नीचे उतरिए मेरे नाने का मिंबर है। तो हजरत सिद्दीक एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखी है, हजरत सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया बैठ जा मिंबर पे पढ़ाए जुमा, समझ आ गई है बात की, पढ़ाए जुमा आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक अकबर। अपनी जिंदगी वफादारी के साथ, गुलामी के और अदब नहीं छोड़ा एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई बेअदबी करता था तो उन्हें जलाल आता था। आपको एक बात बताऊं, गैरत ना इश्क का हिस्सा होती है। हम बड़े शरीफ लोग हैं पर हम कहते हैं सारे काम करना हुजूर के बारे में बात कोई ना करना, ये नहीं हम बर्दाश्त करते। वो किस तरह का आशिक है कि महबूब के खिलाफ बात भी सुन गए, ये इश्क है, ये तो तौहीन की तूने। हजरत सिद्दीक वो बड़े मीठे बड़े ठंडे आदमी थे। उरवा बिन मसूद सख्ती बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मैं हुदैबिया के मौके पे आया तो मुझे पता था, मैं जानता था अबू बकर सिद्दीक बड़ी ठंडी तबीयत के आदमी हैं। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ना मैंने हाला देखा गुलामों का, कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई पानी का कतरा लेने के लिए खड़ा है, कोई वुजू का बचा हुआ पानी लेने खड़ा है। तो चूंकि वो आए थे काफिरों की तरफ से तो तनकीद करने वाले को कहानियां बड़ी मिल जाती, तो फौरन उरवा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये आपके गिर्द खड़े हैं पर जब तलवारें चमकेंगी तो दौड़ जाएंगे, तलवारों के सामने खड़ा होना आसान नहीं। तो हजरत सिद्दीक एक बार पीछे खड़े थे नबी पाक, ठंडे मिजाज के आदमी, पर बात हुई थी ना सरकार के बारे में तो दौड़ के आगे आए और इतना सख्त जुमला कहा, कहने लगे जा के लातो मनात की शर्मगाह चाट, तू कहता है कि हम हुजूर को छोड़ जाएंगे, मैं नबी पाक के बाकी गुलामों की बात नहीं करता, तेरे पास जितने सूर में है ना तू सारे लेके आ और नबी पाक के दिफा के लिए सिर्फ अबू बकर की तलवार ही काफी है, तू ला तेरे पास जितने सूर में है, ला मैदान पर ला ना तेरे पास जितने सूर में है। तू कहता है ये दौड़ जाएंगे, फरमाया तूने अभी हमारा रुख देखा नहीं ना, तू आ ना जरा मैदान में, तू मैं तुझे अकेले को बताता हूँ कि किस तरह हुजूर का दिफा किया जाता। और वह बिन मसूद सख्फी कहने लगे ये कौन है, देर के बाद मिले थे ना, ये कौन है? उन्होंने कहा ये अबू काफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक हैं। तो उरवा बिन मसूद कहने लगे ये तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा था। उन्होंने कहा ठंडा ही है, हम शरीफ बड़े हैं पर हुजूर के गुलामों के लिए, और अगर आए कोई शरीर, अगर कोई आए तो चलो किसी दरवेश की गल कर लेने। वो कहते हैं इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, फिर असी और भी बूटियां जानने हैं, फिर हमें सारा पता है, फिर हमें ना सारे तरीके, इट सिट ते पखड़ा फिर असी और भी बूटियां जानने हैं, फिर ना हम कर लेंगे हल, हमें वो हल करना भी आता है। लेकिन शरीफ उसके लिए जो रसूलुल्लाह का अदब करे, जो नबी पाक की। हजरत सिद्दीक अकबर मुअद्दब तरीन आदमी, कोई बंदा अगर बाहर से आता था ना हुजूर से मिलने तो उसको पकड़ के कोने में ले जाते थे, कहते थे आप पहले मैं तुझे अदब सिखाऊं कि नबी पाक की बारगाह में जाना कैसे, हाँ मैं तुझे बताता हूँ कहीं ऐसा ना हो तेरे अमाल ज़ाया हो जाए। सांस भी आहिस्ता लेते थे, मस्जिद की सफाई करना, ड्यूटी करना, खिदमत करना, सारा कुछ करना, पर बैठते सबसे पीछे होके थे, सबसे पीछे होके, ये भी उनका एजाज़ था पीछे हट के बैठना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे लोगों को पता चले कि नहीं नंबर मेरा है, पीछे हट के बैठना, पीछे पीछे रहना, अपने वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करे। कुछ लोग होते हैं ना वो पीछे पीछे होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं, मैं नहीं जी, ऐसा तो है ही कुछ नहीं, मेरे रसूल करीम अलैहि सल्लम का अदब करना। हमने ना सारी ज़िंदगी सुना है कि अल अमरु फौकल अदब,
कि जब हुक्म आ जाए तो फिर हुक्म मानना है अदब। और इस बात पे हमारे तालिब इलम बड़े पक्के हैं, मुरीद आजकल के इस मसले में बड़े कहते हैं साहब ने खुद कहा है कि खैर सला है, उन्होंने खुद कई दफ़ा कहा है जी तुम बड़े सियाने हो तुम्हें मतलब की गल की समझ जल्दी लगती है, उन्होंने खुद कहा है कि टाइम हो तो आया करो। ये कब उन्होंने कहा है कि मजबूरी है रोज ही आना, ये उन्होंने कब कहा? उनको भी तो पता है ना मजबूर है, तो आपको भी तो पता है ना कि उनका आपसे प्यार है, आप इस पर भी तो थोड़ा गौर करें ना। लेकिन हम मर्जी का कोई एक आध फिक्रा ना मर्जी का, वह एक तालिब इलम यहाँ से गया तो मेरा दिल नहीं था जाए, तो वो कहने लगा जी मुझे हजरत साहब ने खुद कहा है, हजरत साहब ने खुद कहा मैं पूछ के आया हूँ। तो जो हमारे कुछ संगी थे बीच में प्यार वाले वो कहने लगे आंदा मैं पूछ के आया, मैं क्या आंदा वो भी ठीक ही है, तो उन्होंने साखिया मैं जावा तो मैं उन्होंने की आंदा, मेरी बात की समझ आई है ना जी, जब इरादा हुआ तो फिर अब्बे को मना के भी आ गए, जब इरादा हुआ तो अब्बा जी को मैंने जाना है बुजुर्गों के पास मिलने जाना है, और जब इरादा ना हुआ तो कहने लगे हजरत साहब ने खुद फरमाया कि अब्बा राजी होगा तो अल्लाह राजी होगा, छुट्टी। तो मर्जी का है ना मिजाज, तो मर्जी की कहानी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा सा पता है, वैसे भी अपने बाल बच्चे का पता होता है, हैं जी की आंदे ने पी दादी के जी दे साल ही वेखी देने, मुझे भी पता होता है कि आज कहाँ कहाँ किस किस अंदाज में क्या क्या कहानी है, कहाँ कहाँ क्या स्टोरी है। तो कभी कभी ये सारा प्यार ही है, ये भी सारा इसमें भी प्यार ही है, पता चल जाता है कि कल कहाँ से बात कर रहा था और आज बात कहाँ कर रहा है। ये अपना अपना मिजाज होता है ना, अपनी तबीयत के मुताबिक चलना है। सुना यही है कल अमरु फौकल अदब, कि जब हुक्म मिल जाए तो फिर अदब नहीं करना, फिर हुक्म पे। पर हज़रत सिद्दीक अकबर ने निराला ही काम किया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुलह कराने गए, फरमाया मैं देर से आया तो जमात करा लेना। असर की नमाज का वक्त हो गया, सैयदना बिलाल हबशी ने इकामत पढ़ दी, सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे खड़े हो गए, उतनी देर में हुजूर भी आ गए। नमाज में लुकमा वो देगा जो नमाज में शामिल हो, टूटियों पर खड़ा बंदा लुकमा नहीं देगा, पहले वो आके अल्लाह अकबर का शामिल हो फिर लुकमा दे। हुजूर आए, सहाबा ने हाथों पे हाथ मारने शुरू किए, इतला कर रहे हैं कि लोगों हुजूर आ गए। सरकार अगली सब के करीब पहुंचे तो जनाब सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज। लोग तो बगैर नमाज के अदब करने पर इतराज करते हैं, मैं बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूं, नमाज पढ़ा रहे थे, उन्हें पता चल गया ना हुजूर आए हैं, तो एक कदम नमाज से पीछे हटा लिया, नमाज पढ़ा कि मैं तय वल वेखा, और मैं नुकाबा भूल गया आई, हूँ भूल गई नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिकर प्याई। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक कदम पीछे हटाया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर पढ़ाओ नमाज, फिर दूसरा कदम पीछे हटाया तो फरमाया पढ़ाओ नमाज, तीसरा कदम पीछे हटाया। हमने आज तक यही सुना है कि हुक्म हो जाए तो हुक्म मानना है अदब, और हमारे यहाँ यही होता है, फिर लोग हुक्म ही मानते हैं, फिर उनको अदब भूल जाता है। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर तीन दफ़ा हुक्म आया पर पीछे हट गए, हुजूर मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई, नमाज के सलाम के बाद ना हदीस में मुख्तलिफ हुक्म आया, इस्तिगफार पढ़ो, अल्लाह अकबर कहो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, 33 बार से मुख्तलिफ अजकार आए, पर हुजूर ने आज कोई जिक्र नहीं, कोई वजीफा नहीं, सलाम फेरते काबू बकर मैंने जो तीन दफ़ा कहा था नमाज पढ़ाओ तो पढ़ाई क्यों नहीं, एक दफ़ा नहीं तीन। कभी कभी हम भी नाराज नहीं हो जाते, तेन 100 बार ही आख्या का तीन दफा जो कहा था नमाज पढ़ाओ तो फिर पढ़ाई। तो हजरत सिद्दीक अकबर रो पड़े, हाथ दोनों बांध दिए, घुटने जमीन पे रख दिए, अर्ज करने लगे क्या जुमला है, क्या तरतीब है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अबू कहाफा के बेटे की इतनी भी जरूरत नहीं कि मदीने वाले रसूल को नमाज पढ़ाए, मैं इतना भी जरूरतमंद नहीं हो गया हुजूर, मैं कैसे आपके आगे खड़ा रहता और आप मेरी यानी ऐन नमाज की हालत में, ऐन हालत नमाज में भी अदब, नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल देखा, उनका वह भूल गया आई, मैंने भूल गई नहीं सब सौम सलाता, इक्को यार द फिकर पे आई। दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला का इश्क, उनका प्रेम, उनका प्यार, उनकी बातें, एक दिन ना हुजूर के विसाल के बाद अचानक ना इस तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, खासे मस्जिद से दूर चले गए, तो हजरत उमर थोड़ा तबीयत को जानते थे, जनाब उमर पीछे दौड़े, कहने लगे किधर जा रहे हो, चुप कर गए, क्या हुआ किधर जा रहे थे, अबू बकर सियाने बंदे हो मीरुल मोमिनीन हो कहाँ जा रहे, तो रो पड़े, कहने लगे एक दफ़ा ना हुजूर सफ़र पे गए हुए थे तो इस तरफ से वापस आ गए थे, तो मुझे ख्याल आया शायद इस तरफ से आ ना रहे हों। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे अबू बकर अब तो हुजूर ने पर्दा कर लिया, जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़ कौन रोवे फिर थोड़ा,
सब रोगों का रोग मोहम्मद जिस दा नाम विच। आप सारी सीरत की किताब में पढ़ लेंगे। अबू बकर सिद्दीक का विसाल किस बीमारी से हुआ? लोगों ने कौल किए हैं कि वो सांप का जहर आ जाता था, फलां चीज़ थी, लेकिन को बंदा वजह तलाश कर सका? क्या वजह थी विसाल हो गया, क्या बीमारी थी, क्या तकलीफ थी? बाकी वजूहत आपको मिलेंगी। हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए, हज़रत उमर शहीद हो गए, मौला अली, अबू बकर सिद्दीक चले गए 63 साल की उम्र। वजह कोई नहीं बताएगा। जब शदीद बीमार हुए तो हज़रत उमर फारूक ने एक तबीब बुलाया, बड़ा सियाना था, उसने सारा चेक किया तो नबाज था। कहने लगा यार कोई बीमारी तो समझ में नहीं आती। तो हज़रत उमर थोड़ा सा जलाल में, यराना था ना, जलाल में कहने लगे अबू बकर मसला क्या है? दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे, नमाज पढ़ाने खड़े होते तो टांगे कांपती हैं, मसला बताएं क्या है? तबीब इतना बड़ा है, ये तो बंदा का चेहरा देख के बीमारी बता देता है और ये कह रहा है कोई बीमारी नहीं। तो हज़रत सिद्दीक अकबर खामोश हैं। फिर हज़रत उमर कहने लगे आप, हम सारे आपकी वजह से चलते हैं, लोग सारे परेशान हैं, आप हुज़ूर के जानशीन बताते क्यों नहीं? जब तीसरी दफ़ा कहा तो हज़रत सिद्दीक अकबर कहने लगे उमर ज़्यादा बातें ना कर, तुझे पता नहीं मुझे क्या बीमारी है? नहीं पता तो मैं बताऊं? नहीं पता तुझे, बोल। तो जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे अबू बकर मुझे पता है आपका दीदार के बगैर काम नहीं चलता, वक्त ना लंबा हो गया, चिर हो गया, मैं तरले लेंदे हाँ, कभी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक वार दे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। मुझे पता है आपके मर्ज का, पर अबू बकर उम्मत को ज़रूरत भी तो है ना। हज़रत सिद्दीक अकबर कहने लगे बस हो गई है, अब मेरी वसीयत याद रखना, जब मैं दुनिया से जाऊँ तो उठा के मेरा जनाजा कब्र रसूल पे ले जाना और पहले पूछ लेना कि अबू बकर हाज़र है, इजाज़त हो तो मुझे दफन कर देना वरना जन्नतुल बकी में। तो लोग कहते हैं अभी जनाजा ही रखा ही था कि दरवाज़ा अंदर से खुद ब खुद खुल गया और आवाज़ आई अब देर ना करो, महबूब को महबूब के साथ मिला दो। पानी पर न सहेलियाँ रंगा रंग कड़े असी परया उस दा जानी है जिस दा। मैंने शुरू में एक बात की थी कि अपनी ख्वाहिशात को ना हुजूर का ग़ुलाम बना दें, सोचें समझें कहें वो लफ्ज़ जो मदीने वाले रसूल को पसंद हैं, फिर देखना मुसलमान होने का मज़ा आएगा, फिर जायका नसीब होगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आखिर दावा या निरहम।